अब ठीक है। तुम तो कोई बहुत बड़ी भक्त लगती हो, इसे अकेली उठाने लगी। मदद करने के लिए शुक्रिया। वैसे इतनी रात को इस मंदिर में? तुम भी तो यही हो, इतनी रात को मंदिर में। वही, मुझे अक्सर लोग ऐसे ही याद करते हैं, कभी भी। तो मत आया करो। कैसे ना हो, अगर नहीं आती तो रूठ जाते हैं, इसीलिए आना पड़ता है। लेकिन इतनी रात को सेफ नहीं है। इसलिए तो यहाँ मिलती हूँ, मंदिर में, ताकि कोई भी समस्या हो। तो माँ रक्षा कर ले। लगता है तुमने बोर्ड ठीक से पढ़ा नहीं। इच्छा पूर्ति महालक्ष्मी मंदिर, यहाँ कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, चुपचाप अपने घर जाओ। अरे कमाल करती हो, एक औरत होकर एक औरत को अकेले छोड़कर जा रही हो। तो ठीक है, मुझे भी घर तक छोड़ दो, ये तुम्हारी है। कहाँ जाना है? तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलोगी? नहीं, मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं आती। रास्ते में कहीं छोड़ना है तो बैठ जाओ। वैसे उस बोर्ड पे तुमने ही लिखा था ना, मैंने देखा था। वैसे कौन सी इच्छा पूरी नहीं की है भगवान ने? रात भर रतलाम के चक्कर लगाएंगे ना, तब भी नहीं बता पाऊंगी, इतनी लंबी लिस्ट है। वैसे तुम जान के क्या करोगी? हो सकता है कुछ मदद कर दूं। जब भगवान ही कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगी? तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है माता ने बहुत दिया है तुम्हें। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ देने वाले और किसी से कुछ लेने वाले ऐसे रिश्ते नहीं बनाती। मुझसे भी तो लिफ्ट मांग ही ली ना तुमने। हाँ, पर अगर तुम लिफ्ट नहीं भी देती तो मैं तुमसे नाराज नहीं होती। लगता है पति परिवार बच्चे बच्चे हैं नहीं तुम्हारे, वरना तुम्हें मेरा दुख समझ में आता। सब है, पति परिवार बच्चे सब है मेरे। अच्छा, कौन है पति? विष्णु। मेरा मतलब है करते क्या है विष्णु जी? एक बड़ी सी कंपनी चलाते हैं, उसकी मैनेजर है। और तुम क्या करती हो? उनकी कंपनी का कॉल सेंटर संभालती हूँ, दिन भर लाखों कॉल्स आते हैं, वो सुनना मेरा काम है। लो, बातों बातों में मेरा घर आ गया। तुम ही बता देती कहाँ उतरना था तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक पति पर आई हूँ सविता। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है जैसे भगवान ने कोई कॉल सेंटर खोल रखे हैं। लग गए सुबह सुबह नंबर लगाने। कल तक मैं भी इसी कतार में थी, लेकिन आज अकल आ गई है। बड़ी होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, हमेशा याद रखना, भगवान कोई चमत्कार करेंगे इस उम्मीद में कभी मत बैठना। क्योंकि मुझे यकीन हो गया है भगवान है ही नहीं। तुम समुद्र मंथन के बारे में जानती हो? हाँ, मंथन से ही तो महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। क्यों ही प्रकट हुई थी? एक ही पल में? एक ही पल में कुछ नहीं होता। जिसे सब चमत्कार मानते हैं वो वर्षों के परिश्रम और संघर्ष का परिणाम होता है। तो भक्तों का भगवान से चमत्कार की उम्मीद करना गलत है। तुम्हें बनाकर भगवान ने तो सबसे बड़ा चमत्कार किया है, अब तो तुम्हारी बारी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कौन तुम? तुम्हें कोई बुला रहा है। Thank you.
भगवान हैं और जब कोई सच्चा भक्त भटक जाए तो धरती पर आते भी हैं। जिसको चाहो मैं उसका भला, तुम ही इस दुनिया की 64 कला। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला विमला तुम मंगला। आपने भी नहीं देखा कहीं जाते हुए? कहाँ चली गई सासू माँ? फोन भी घर पे छोड़ के गई है। तेरे दांत चमक गए हो ना, तो जरा बहू का भी ख्याल कर ले। अरे तुम कहाँ थी? कब से ढूंढ मची रही तुम्हारी? सासू माँ अब तो फोन भी लेके नहीं गई। सुबह से चाय को तरस गए, घर की तो कोई सुध है नहीं तुम्हें। बोलोगी भी कहाँ गई थी? सुबह आँख जल्दी खुल गई थी तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी। मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी? मैराथन पे गई थी लगता है, इतनी देर तक कम से कम बता के तो जाती। आप सब सो रहे थे इसलिए नहीं उठाया। 12 साल से अम्मा उठी हुई है, उन्हें नींद कहाँ आती है? उन्हें बता के जाती। सुबह से कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे दुकान पे सील लगी है, उसकी नहीं पड़ी, मॉर्निंग वॉक पे चल दी। आप सब नहा धो लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। एक मिनट, चाय छोड़ो, दुकान के कागज निकालो, नगर पालिका जाना है, सील खुलवाना है। मैं भी तैयार होके आती हूँ, साथ में चलते हैं। तुम क्यों चलोगी? चलते हैं ना जी, साथ में बात कर लेंगे। क्यों, मुझे बात करनी नहीं आती? तुम तो गई थी ना दुकान चलाने, बंद करवा दी। तुम इन सब में मत पड़ो, कागज निकालो। आप उस ऑफिसर पे गुस्सा करोगे और सारा काम बिगड़ जाए। सुबह सुबह मेरे सर पे मत नाचो तुम सविता। मैं ही कागज निकाल लेता हूं। तेरी वजह से कहां लगी सील? तू तो कल ही गई थी ना, सालों से तो यही चला रहा है, तो बोली क्यों नहीं? जाने दो ना अम्मा, और चिढ़ जाते। जितने शांत दिमाग से जाए उतना अच्छा है। मम्मी चाय। क्या हो गया, सब लोग ऐसे क्यों खड़े? साले साहब, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है प्रॉब्लम। बस वही चल रहा है इस घर में। तो जीजे, उसी डिक्शनरी में एक और वर्ड भी तो होता है ना, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। 12 घंटे सोकर इनको यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। बेटा, सॉल्यूशन कोई चाय नहीं है जो बेड पर पड़े पड़े मिल जाए। सविता, दुकान की फाइल कहाँ है? मम्मी फाइल? अरे आज तो पड़े पड़े चाय भी नहीं मिलेगी। साले साहब बना लो, एक कप मेरे लिए भी बना लेना है। सुबह से एक चैप्टर नहीं पढ़ पाए, यहाँ के मसले ही खत्म नहीं होते। तू क्यों लग गया? हट माँ। हट हट हट, मैं बनाती हूँ। मम्मी, वैसे जीजे बता रहे थे बड़ी लंबी वॉक पे गई थी आप। मंदिर गई थी ना? देखिए, आप मुझसे नहीं छुपा पाओगी, गई थी ना अपनी फेवरेट लक्ष्मी माँ के पास।
और खूब सुना के भी आई हो। इतनी टेंशन मत लो माँ, खुल जाएगी दुकान की सील। मम्मी, मम्मी आप ये क्या कर रही हो? पापा को फाइलें ढूंढ ढूंढ के दे रही हो। आपको तो उन्हें रोकना चाहिए। सीधे मुंह बात होती है क्या उनसे? भगवान ना करे उस अफसर के कान के नीचे धर दी ना तो घर पे भी सील लग जाएगी। पापा अगर कॉर्पोरेशन ऑफिस गए तो पक्का कांड करके आएंगे। तो आप ही बोल दो ना पापा को, भैया हर बात मम्मी के थ्रू ही क्यों बोलनी होती है आपको? तू थोड़ी देर चुप करना यार। देखो मम्मी, दुकान की सील खुलवाने का एकमात्र तरीका है। क्या? उस अफसर को वो घूस खिलानी पड़ेगी। रिश्वत? हाँ जी रिश्वत। आजकल बातचीत से कुछ नहीं होता। मतलब पापा जाके रिश्वत खिलाएंगे? पापा नहीं, मम्मी आप। आप सिर्फ मेरे साथ चलो, बाकी सब मैं कर लूंगा ना। भैया मम्मी जाके ये सब करेंगे। तू थोड़ी देर चुप बैठेगा? लेकिन रोहित ये तो गलत है ना, ये रिश्वत विश्वत के काम हमने कभी नहीं किए बेटा। इसीलिए घर के आज ये हालात है। दुनिया ये सब करके कहां से कहां पहुंच गई। शराफत से गाड़ी तक नहीं पाए हम लोग। मम्मी एक बात मत सुनना भैया की। अच्छा तो एक काम करना, तू ही आइडिया दे देना। तू MBA है ना, तेरे MBA बनने के लिए भी घूस खिलानी पड़ी थी, इसलिए तू लेक्चर मत झाड़। एंट्रेंस तक क्लियर नहीं कर पाया था। उसे घूस खिलाना नहीं कहते, उसे कहते हैं पेड सीट। तुम जैसों पे पैसे बर्बाद करना बोलते हैं उसे। और अभी एक शब्द भी बोला ना तो मार खाएगा रोहित। इसलिए मम्मी आपसे कह रहा था कि 12 लाख जो इसके MBA में लगा रहे हो मुझे दे दो, मैं अपने बिजनेस आइडिया में लगा देता तो आज ये क्राइसिस ना होते। क्या जीनियस बिजनेस आइडिया था इनका, याद है? शादियों में DJ सप्लाई करने का ये प्लान था इनका। वाह बड़े भैया। वैभव चुप हो जाना बेटा, तू ही चुप हो जा वैभव। देखो मम्मी आपको भी पता है कि इस प्रॉब्लम से सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ, तो आप सोच लो मेरी सुननी है या फिर इस MBA की। आपके फालतू झोल झपाटों में मम्मी नहीं पड़ेंगी। अरे तू क्या मम्मी 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 कर रहा है? मेरी भी मम्मी है। मम्मी मैं कुछ करता हूँ। अच्छा क्या करेंगे आप? अभी नहीं पता लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तू भाई एक काम कर, अपने लाला लैंड में जाके जी, दुनियादारी हम पर छोड़ दे। मम्मी वैभव पापा को चाय देके। तू जा जा चाय देकर आ। तू क्यों उस पे हमेशा चिल्लाता रहता है? उसे छोड़ो ना मम्मी, आप बोलो। नहीं रोहित, ये गलत सलत काम ना मैंने कभी किए हैं ना मुझसे कभी होंगे। ये बात मम्मी, ये बात सॉल्यूशन मैं निकाल के दूंगा आपको, प्रॉमिस, खुल के रहेगी दुकान। तू जाना भाई। मम्मी पता है आप लाइफ में हमेशा परेशान क्यों रहती हो? क्योंकि आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं पर आप हर बार गलत ऑप्शन चुनती हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, मिश्रा जी के थ्रू? जी सर, मिश्रा जी और मेरे पापा साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली जैसा समझ लो सर। ठीक है बैठो बैठो। सर वो इसी की दुकान का मैटर है। सर नगर पालिका वाले हमारी दुकान सील कर गए। सर वो फेमस सुख सागर नमकीन एकदम ओरिजिनल, आपने भी खाई होगी इस दुकान से जरूर। अब बात करके खुलवा देते तो यही रिक्वेस्ट थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करना, दुकान का एड्रेस और जिस ऑफिसर ने सील लगाया था उसका नाम पर्ची पे लिख के बाहर दे दो। ओके सर। सर सर हो जाएगा ना? वो घर पे बहुत टेंशन चल रही है। हाँ हाँ हो जाएगा सर। ये दुकान के पेपर्स हैं सर, दे दो बाहर दे दो। ओके सर ओके। पुरुषोत्तम जी से मिलना है। मैडम आप जाइए। हेलो सर, आई एम फ्रॉम महेश्वरी ज्वेलर्स। ये लीजिए आपकी वाइफ का ऑर्डर। सुंदर, अति सुंदर जी। नहीं मेरा कहने का मतलब कि ये बहुत सुंदर बना हुआ है।
बहुत अच्छा है। और हाँ सर, एक बार उनको जरूर पहना के देख लीजिएगा, अगर फिटिंग एडजस्ट करनी हो तो हो जाएगी। अब क्या बताए, हमारी धर्म पत्नी तो घर पे है नहीं, अब आप ही पहन के दिखा दीजिए। सॉरी सर। अरे सॉरी क्या, हमारे वाइफ से ज्यादा खूबसूरत तो आपके गले में लगेगा। सर ये लीजिए बिल, थैंक यू। अरे सुनिए तो सही। दूर हटिए, ये क्या बदतमीजी है सर, क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए हमारी दो टके की सेल्स कल भाव खा रही है। अरे आजा सर। ये क्या कर रहे हैं आप सर, उन्होंने कहा ना दूर हटिए। चल अपना काम से काम रख, चल आजा। सर आप भी वही कीजिए ना, फिर आपका सामान मिल गया ना आपको, जाने दीजिए इन्हें। तुझे तेरी दुकान प्यारी है कि नहीं? देखिए सर, आप किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। चल निकल, चल आजा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बोल सारी, बोल बोल सारी, बोल। मैं बैंक लूटने के लिए नहीं कह रहा हूँ मम्मी, इतना क्यों सोच रही हो? मत सोचो, मुझे पता है पहले थोड़ा मन घबराएगा, दो मिनट के लिए हाथ कांपेंगे, पर एक बार पैसों की गड्डी आपके हाथ से उस अफसर के हाथ में गई, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगी, मन एकदम शांत हो जाएगा आपका। वाह बेटा, घूस खिलाना तो ऐसे सिखा रहा है जैसे मेडिटेशन करा रहा हूँ। मम्मी पैसों से बड़ा मेडिटेशन इस दुनिया में और कोई नहीं, आपको फाइल में सिर्फ पैसे रख के देने हैं बस, कल की कल दुकान की सील खुल जाएगी। पर रिश्वत ही देनी है ना, तो तू जाके दे, उसके पीछे क्यों पड़े? दादी रिश्वत खिलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसों के लिए मम्मी की जरूरत है। मम्मी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, आप सिर्फ हाँ बोल दो, बस आज के आज पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। नहीं रोहित, तेरे पापा को क्या बोलूंगी, ये सब कर रहे हम लोग, बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने जो भी किया जैसे भी किया, हमारा घर तो चल रहा था ना, ये हेरा फेरी वाले काम उन्होंने कभी नहीं किए, पता नहीं तू किस पे गया है। अब आप ही समझाओ इन्हें, वरना कुछ दिनों बाद आपके शाम के फ्रूट बंद हो जाएंगे। फ्रूट तो बहुत जरूरी है सविता। देख रोहित, तेरे पापा गए हैं ना ऑफिसर से बात करने, हो सकता है कोई काम बन जाए। अब तेरी दुकान का क्या ब्रो? नहीं पता यार। अरे दुकान की कहां पड़ी, इन्हें तो हीरो बनना था, बनाया अंदर से। तो क्या करते, हाँ देखते रहते। रॉन्ग टाइमिंग ब्रो, 5 मिनट आगे पीछे जाता तो शायद पंगा ही ना होता। अजीब हो यार, वो तो फिर भी उसके साथ बदतमीजी करता ही ना। अच्छा हुआ हम वहाँ थे। ठीक है ब्रो, चलो। ये वही है ना? हाँ यार वही है, ऑटो नहीं मिल रहा है लग रहा है उसको, पूछ ले कहाँ छोड़ना है, परेशान लग रही बेचारी। ये ले बाइक ले जा। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नो नो इट्स ओके, आप पहले ही मेरे वजह से काफी स्ट्रेस ले चुके हो, सो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। अब एक मिनट, आप न्यू मार्केट तक छोड़ दीजिए, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है। थैंक्स एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से वहाँ पे सीन क्रिएट हो गया। अच्छा ही हुआ सीन क्रिएट हो गया, और आप प्लीज सॉरी मत फील कीजिए, वो ये डिजर्व करता था, वो तो गार्ड बीच में आ गया, वरना आज उसके पास से सॉरी बोलवाता मैं। पर उसे झगड़ के आपका कोई काम खराब हो गया ना? दैट्स ओके। नो नो बट आई एम रियली सॉरी, आई एम श्योर कुछ इम्पोर्टेंट ही काम होगा। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स कीजिए और ये सब कुछ भूल जाइए। थैंक्स बाय।
क्या हुआ? पानी 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 लेके आइए। क्या हुआ इन्हें? रोहित बीपी की मशीन भी लेते आना। ये लो मम्मी। इनका तो बीपी हाई है। पानी पानी। क्या हुआ इन्हें? विवाद हो गया सासू माँ। क्या भमका भमकी करी है इन्होंने? पहले तो प्यार से बात की ना। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ऐसे कौन प्यार से बात करता है बताइए। ऑफिसर ने बोला कि तुम्हारी दुकान 5 फुट आगे निकली हुई है, उसे तोड़नी पड़ेगी। तो कहते हैं तुम्हारे दांत भी तो निकले, तोड़ दूं? अरे जीजे, इसलिए तो आपको साथ में भेजा था ताकि आप बात करो। तो मौका कहाँ दिया इन्होंने, सिंगम की तरह एंट्री मार दिए। ऑफिसर भड़क गया, उसने भी तो सिंगम देखी होगी ना, धक्का मार के निकाल दिया, बेहोश हो गए। सुमा पूरे रिक्शे में ग्लूकोज पानी पिलाते लाए हैं। एक बार को तो घबरा गए कि पूरे रिश्तेदार को फोन कर दें कि भाई सब लोग जमा हो जाइए। दामाद जी, नहीं आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था मैं आपके साथ चलती हूँ, पर आप मानते ही नहीं। रोहित डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कल सुबह भी तो वहाँ जाना है। आप नहीं जाएंगे अभी? मतलब आप आराम कर लो इस हालत में। दुकान पे सील लगी और मैं आराम करूं, करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आप पहले अपनी तबीयत ठीक कीजिए, आप अपने कमरे में जाके लेट जाइए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। चलिए खुल गई सील। तू ना बैल का बैल ही रहेगा। अगर सालों पहले तेरे मुंह पे किसी ने सील लगाई होती ना, तो आज हमारे घर का ये हाल ना होता। अम्मा आप जाके आराम कीजिए। चलिए चलिए डैडी जी। अभी भी कुछ सोच रही हो? क्या करना है बता। शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।